हेलो एवरीवन, ई लेक्चर की सीरीज में मैं वंदना खट्टर एचओडी सीडीडीएम गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक सांगानेर से हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डिज़ाइन इंस्पिरेशन। इसी सीक्वेंस में चैप्टर फर्स्ट में आप फैशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना फैशन फील्ड एवर चेंजिंग चैलेंजिंग और डायनेमिक फील्ड है। हर नई लाइन वे कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने से पहले फैशन इंडस्ट्री का हर डिज़ाइनर फैशन रिसर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। एक फैशन डिज़ाइनर के लिए बदलते फैशन वर्ल्ड के साथ चलने के लिए फैशन अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक फैशन डिज़ाइनर को अपनी लाइन के लिए, अपनी थीम के लिए और अपने कलेक्शन के लिए वो न्यू आइडिया कहाँ से प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे फैब्रिक स्टोर्स। फैब्रिक स्टोर्स फैशन डिज़ाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की भूमिका निभाते हैं। डिज़ाइनर इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट व फैब्रिक शोरूम में विजिट करते हैं, जिनसे उनको करंट फैशन लाइन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ डिज़ाइनर्स अपने नए कलेक्शन में रिसाइकल्ड फैब्रिक्स वे ओल्ड गारमेंट के पार्ट को भी दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं स्ट्रीट फैशन। डिज़ाइनर स्ट्रीट पीपल को वॉच करके भी आइडिया प्राप्त कर सकता है। शॉप विंडोज़ के डिज़ाइंस भी कैप्चर किए जा सकते हैं। वे जो डिज़ाइंस एक डिज़ाइनर को अपीलिंग लगती है उसका वह फ़ोटो भी ले सकता है और स्केच भी बना सकता है। कुछ डिज़ाइनर स्ट्रीट फैशन का वीडियो भी बनाते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं इंटरनेट। कई तरह की वेबसाइट हैं जो फैशन की इंफॉर्मेशन देती हैं। YouTube वीडियोस भी होते हैं। ज़्यादातर हर मेजर मैन्युफैक्चरर व रिटेलर्स की वेबसाइट होती है, उनमें कई तरह की फैशन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेचर, एक डिज़ाइनर नेचर से भी इंस्पायर हो सकता है।